प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में तीन गायें इकट्ठी रहती थी। इनमें से एक सफेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में उनकी खाने के लिए बहुत सब्जा था और पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा था। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थी। जब भी कोई जानवर उन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करती और उसे भागने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शेर उस जंगल में आ निकला। सरसब्ज और शादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी उस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नजर इन तीनों पर पड़ी। आहा, तीन मोटे ताजे शिकार, इन्हें कैसे शिकार किया जाए, शेर ने दिल में सोचा। वो फौरन आगे बढ़कर उनसे सलाम दुआ करने लगा। फिर आजिसी के साथ उनसे बोला, ए खूबसूरत गायों, क्या तुम इजाजत दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? इन तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर एक दूसरे से कहने लगी, हम तीन हैं और ये अकेला, यह कर रहे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने मुझे खुशी खुशी वहाँ रहने की इजाजत दे दी। शेर इनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ते और घास खाती थी, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता रहता था। मगर हर वक्त इन गायों को खाने में खाने की फिक्र में रहता था। छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में भागने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गई। उसको कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। शेर सोचता था कि अगर ये तीन गाय की बजाय एक होती तो मैं तो मजे लेकर से खा जाता। उसने सोचा कि इन तीनों गायों में से एक दूसरे को अलग कर देना बेहतर होगा। अगर ऐसा हो जाए तो इनको खाने में आसानी हो जाएगी। चुनांचे एक दिन शेर काली और भूरी रंग की गाय के पास आया। उनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफेद रंग की गाय हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफेद रंग दूर से नजर आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नजर नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्मा भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी सफेद गाय को देख लिया तो वो इसे पकड़ने आएगा, फिर उसको हम भी नजर आ जाएंगे और वो हम सबको कैद करके ले जाएगा। भूरी और काली गाय शेर की बात सुनकर खूब ज्यादा हो गई और सोचने लगी, अगर किसी इंसान ने सफेद गाय को देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों इसी की बातों में आ गई हैं, तो फिर उसने अपने दिल की बात कह दी, अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, ताकि फिर कोई खतरा ना रहे। दोनों गायें राजी हो गईं। शेर ने सफेद गाय पर हमला किया और उसे हड़प कर ये खा गया। कुछ अरसे के बाद शेर की नजर अब काली रंग की गाय पर पड़ गई। फिर वो बूढ़ी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे बूढ़ी गाय, मेरा और तेरा रंग तो बिल्कुल एक जैसा है। दूर से दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन ये जो काली गाय है हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर से देख सकता है। बूढ़ी गाय अब भी उसकी बात ना समझी कि शेर असल में उनका दुश्मन है। वो इसे दोस्त समझकर मसले का हल पूछने लगी, भाई शेर अब क्या करें? करना क्या है, मैं इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं और तुम इस जंगल में सारे जानवरों पर हुकूमत करेंगे और कोई भी हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़ी गाय ने शेर को इजाजत दे दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और बूढ़ी गाय जंगल में अकेले रहने लगी। कुछ अरसे गुजरने के बाद एक दिन शेर ने बूढ़ी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ नहीं है, इसीलिए अब मैं तुझे भी खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, अगर ये कैसे हो सकता है, तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने गाय के बोलेपन पर मुस्कुराते हुए कहा, ओ बेवकूफ, तुम किस चक्कर में पड़ी हो, भला कभी शेर और गाय की दोस्ती देखी है? शेर तो गाय को शिकार करके खा जाता है। अब बूढ़ी गाय सोचने लगी, काश मेरी दोनों सहेलियां जिंदा होती तो शेर कभी मुझे शिकार नहीं कर सकता था। वो समझ गई कि शेर का मकसद हकीकत में तीनों को खाना था। अब उसे अपनी बात का एहसास हुआ कि उसने किस तरह अपने इत्तेफाक को तोड़ दिया और कैसे अपनी दोनों सहेलियों को अपने ही हाथों से मरवा दी। शेर ने उस पर हमला किया और उसे भी हलप कर गई। प्यारे बच्चों, हम सबको आपस और इत्तेफाक को मोहब्बत से रहना चाहिए और दूसरों की बातों पर सोचे समझे बगैर अमल नहीं करना चाहिए।
उम्मीद है आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।